पुलिस थाना रानी की लगातार सटी बड़ी कार्रवाई NDPS एक्ट की कार्रवाई में 357 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट एवं एक स्कॉर्पियो कार बरामद। अवैध डोडा पोस्ट की अनुमानित बाजार कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है। राहुल कोटो की पुलिस जिला अधीक्षक पाली श्रीमान ब्रिजेश सोनी RPS अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली महोदय आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत हिमांशु जहांगीर RPS वरताधिकारी व्रत बाली के निर्देशन में आज 17/7/2020 को थानाधिकारी हुकमगिरी व नरोल चौकी प्रभारी कमल सिंह में जाप्ता टीम द्वारा गश्त के दौरान नाकाबंदी कर कस्बे नाडोल से वन स्कॉर्पियो कार रजिस्टर नंबर GJ03JR0790 को रोकने का इशारा किया, मगर वाहन चालक वाहन को बिजवा की तरफ भगा ले गया, जिस पर वाहन का लगातार पीछा किया गया। वाहन चालक व उसके साथी वाहन को शरद विंगलदा में कच्चे रास्ते में गाड़ी छोड़कर भाग गए। स्कॉर्पियो कार में कुल 20 प्लास्टिक के काले कटे से भरे कुल 357 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है तथा इनमें बताया गया है कि मुस्लिम धर्म विवाद क्षेत्र में भारी डोडा पोस्ट व परिवहन समाज में अवैध डोडा पोस्ट को बढ़ावा देने के भारी मुनाफा कमाना बताया जा रहा है, जिसमें आज ये कार्रवाई की गई। आज इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी कमल सिंह, थानाधिकारी हुकमगिरी व श्री परमेंद्र सिंह, पप्पूराम, रामफूल, पुलिस चौकी नाडोल की सराहनीय भूमिका रही। उक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई सराहनीय होने से उच्च अधिकारियों को प्रशंसा पत्र व मय नगद इनाम दिलवाने की अनुशंसा भी की जाएगी। जहां ये सटी बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां अवैध डोडा पोस्ट की स्कॉर्पियो सहित 357 किलो 200 ग्राम डोडा पुलिस ने जब्त किया है।